प्रदेश सरकार के आबकारी व मधु निषेध विभाग के मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि मधु निषेध विभाग एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो समाज कल्याण विभाग का अंग है जो कि मेरे पास है। मेरा उद्देश्य है कि यदि नौजवान पीढ़ी को नशा मुक्ति केंद्र भेजने की आवश्यकता है तो मद निषेध विभाग अपनी भूमिका निभाता है और हम लोग प्रचार के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं और नशे के आदि व्यक्तियों को नशा मुक्ति केंद्र भेजकर ठीक करवाया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के आबकारी व मद निषेध विभाग के मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा, देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मद निषेध विभाग एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे, समाज कल्याण विभाग का एक ये अंग है जो मेरे पास है, जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी है। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारी नौजवान पीढ़ी, चाहे नौजवान पीढ़ी हो चाहे कोई भी और वर्ग हो, अगर उसको रिहैबिलिटेशन की आवश्यकता है तो मद्य निषेध विभाग उसमें अपनी भूमिका निभाता है। और हम लोग प्रचार के माध्यम से, हमारे विभाग के कई कार्यक्रम चल रहे हैं, करीब 8-8.5 करोड़ का बजट हमारे विभाग का है, तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से हम नौजवानों को प्रेरित करते रहते हैं और जहाँ पे जिसको रिहैबिलिटेशन की आवश्यकता होती है उनको हम लोग भर्ती भी कराते हैं, उनको नशा मुक्ति केंद्रों में भेजते हैं, उनका इलाज होता है और हम प्रेरित करते हैं कि वो नशा छोड़ें। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सरकार की है और ये हमारी सरकार बखूबी काम कर रही है।